हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोटी मोटी बुक के लिए बहुत ही टेस्टी सी चाट की रेसिपी। बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है ये, तो फटाफट से देखते हैं इसको मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बोल के अंदर लिया है स्वीट कॉर्न, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। इसी के साथ इसके अंदर डालेंगे हम लोग बटर, तो जितना बटर आपको पसंद हो वो लीजिए। तो मैंने यहाँ पे जो छोटा पैक में एक बटर आता है वो लिया, और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। अगर ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो तो स्वीट कॉर्न के अंदर एक बार थोड़ी देर तक इसको कवर करके रख देंगे, तो उसके गर्मा से एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम लोग लेंगे सब्जियाँ, तो जो पसंद हो वो लीजिए। मैंने शिमला मिर्ची, प्याज और टमाटर लिया है, तो आपको अगर गाजर या बीटरूट और कोई सब्जी पसंद हो तो आप वो भी ले सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक नींबू का रस, खटाई के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, चटपटा सा ये। तो अच्छे से इसको एक बार हम मिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पर डालेंगे हम लोग टेस्ट के हिसाब से नमक और लाल मिर्ची पाउडर। मैं और कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। आप नींबू के रस की जगह पर चाट मसाला भी ले सकते हैं, और अच्छे से मिक्स हो गया ये, तो फटाफट से इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्विंग प्लेट के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसी के साथ ऊपर से लेंगे हम लोग भुजिया। अगर आपके पास बारीक वाली जो सेम होती है वो भी ले सकते हो, लेकिन भुजिया से और अच्छा टेस्ट आता है। इसी के साथ हरा धनिया मैंने इसके अंदर डाला है। तो यहाँ पर ये हमारी छोटी छोटी भूख के लिए रेडी हो गई है चाट। तो फ्रेंड्स तैयार है बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी हमारी चाट, जिसको आप कोई भी छोटी मोटी भूख में बनाकर खा सकते हो। तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।